हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज रिव्यू करेंगे हम 13 प्रो मैक्स का। इसमें लगभग यूज़ करते हुए 2 साल हो गए हैं, तो आपको बताएंगे इसमें 15 प्रो मैक्स भी चला रहा हूँ कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं इसकी बेस्ट डिज़ाइन से। तो भाई डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रंट में इसमें नोच है, और बैक से देख सकते हैं कि आपको टिपिकल आईफोन जैसे लगेगा आपको कि इसे टिपिकल आईफोन है, लेकिन देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी बताता हूँ आपको। जैसे कोई ग्लास ब्रेक हो गया मेरे इसमें, ये देख लो, ये बता हल्का टकराया था और ग्लास ब्रेक हो, सैफायर ग्लास बोलते हैं इसे, लेकिन ये भाई ये भी ब्रेक हो चुका है। और क्वालिटी देखो इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील है तो इसमें स्मजेस पड़ जाते हैं, आप देखेंगे ना, आपको लगा दिखेगा, देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा स्मजेस है इसमें। लेकिन भाई प्रीमियम नेस इसमें इतनी दिखती है आपको, जैसे 15 प्रो मैक्स है उसमें शाइनी नहीं है, तो टाइटेनियम फिर उसमें स्मजेस तो नहीं आते, लेकिन उसमें ना अभी फील नहीं आती जैसे ये 13 प्रो मैक्स फील आती है भाई आपने ले रखा, कोई महंगा फोन ले रखा आपने। देखिए तो आप बता नहीं सकते, गोल्ड कलर तो बहुत रिचेस्ट लगते हैं, देखो इसमें आप शाइन देखो इसकी, और डिजाइन में ये फर्क है। एक और दूसरा डिजाइन में फर्क है कि ये टाइप सी नहीं है इसमें, इसमें नॉर्मल यूएसबी है। और इसका भाई वेट की बात करते हैं, बॉडी की बात करी है तो वेट की बात करते हैं, इसका वेट भी 240 ग्राम है, तो ये 15 प्रो मैक्स इससे हल्का है 10-20-30 ग्राम आसपास। लेकिन बस करना ये बहुत ज़्यादा भारी लगता है आपको, 15 प्रो मैक्स लेंगे ना आपको इतना भारी नहीं लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा भारी है और स्लिपरी भी है, ये यहाँ से भी स्लिपरी है, और ऐसे में पकड़ोगे ना तो आपको एक कोने ऐसे बोलते हैं छुपते नहीं है, क्योंकि ये भी यूएसए मॉडल, इसमें देखो एमएम चिप दिख जाएगी आपको इसमें। और भाई 2 साल में मुझे इसमें कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि इसमें आप वैसे बॉडी बता दिया, मैंने डिस्प्ले बता देता हूँ आपको मैं, इसमें डिस्प्ले जैसे सुपर रेटिना एक्सपेयर डिस्प्ले है, 120Hz की डिस्प्ले, देखो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ चल रही है। और उसमें ना भाई 1000 nits की ब्राइटनेस है इनडोर में, अब देखो कितनी ब्राइट डिस्प्ले हो गई है इसकी, और 12 इसकी ट्रिप पीक बैठने से 1200 nits के आसपास की है, HDR कंटेंट में भी 1200 nits से पहुंच जाता है, और जहाँ की देखे जाते कंपेयर करते हैं 15 प्रो मैक्स से तो वो 2000 nits से पहुंच जाता है। और मैं फिर उसकी वीडियो क्वालिटी चला के दिखाता हूँ आपको यूट्यूब पे मैं एक बार कि वीडियो क्वालिटी कैसी है इसकी। भाई आप यूट्यूब में देख सकते हैं, देखो उसमें 4K का सपोर्ट है वीडियो में, आप क्लियरिटी देख सकते हैं, वाइब्रेंट कलर कितने वाइब्रेंट कलर है, और इसके ना डिस्प्ले में सेरेमिक कोटिंग भी है जो उसको बताते हैं कि डिस्प्ले थोड़ी हार्ड है इसकी, कि जैसे उसमें विक्टस होते हैं सैमसंग में, गोरिल्ला ग्लास होते हैं, इसमें सेरेमिक कोटिंग है। और आप देख सकते हैं इसका ना 6.7 इंच की डिस्प्ले है, इसके थोड़े ना नोच देख सकते हैं, देखो नोच थोड़े हैं साइड में, बेजल भी देखो कितनी है, नोच भी है, बेजल ज़्यादा है इसमें, आप क्लियरिटी देख सकते हैं देखो इसकी। तो वीडियो चल रही है, मैं आपको थोड़ा आगे दिखाता हूँ। भाई मुझे इसको चलाने में 2 साल में कोई ऐसा इशू नहीं आया, डिस्प्ले में क्या किस ब्राइटनेस में इशू आया हो या किस चीज़ में इशू आया, ऐसा कोई इशू नहीं आया, क्योंकि मैं 15 प्रो मैक्स चलाता हूँ, ये चलाता हूँ, मुझे इतना इशू पता नहीं चलता। बस एक डिफरेंस लगता है मुझे डिस्प्ले में, वो है नोच का, उसमें डायनेमिक आइलैंड है, इसमें नॉर्मल है, बस वही पता चलता है। और मुझे सबसे बड़ी खास बात लगती है इस फ़ोन की एलर्ट स्लाइडर, देख सकते हैं आप जो आईफोन में टिपिकल था। और भाई जब बंदे कहते हैं एक्शन बटन अच्छा है, वो भाई मेरे को तो पर्सनल चॉइस पर अच्छा लगा नहीं, और सबको अच्छा लगता हो लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि इसमें एल एस एडर में आप कुछ करोगे, क्लिक करोगे अपना सब सिंपल सा, साइलेंट करो ऐसे करो उसमें, बट आपको बटन दबाए रखना पड़ेगा फिर नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन और इसमें OS की बात करते हैं, जैसे इसमें है ना iOS 15 आता था पहले से, तो चल तो ये लेटेस्ट उस पर है 17.4p, दिखाता हूँ आपको ये जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट 17.4p चल रहा है, नहीं नहीं अनेबल डाउनलोड 1 भी आ गया है, 17.4 पे चल रहा है बेसिकली, 3.1 पे चल रहा है, तो अभी अब अपडेट करा नहीं है मैंने। उसमें आता था एप्पल में मिनिमम प्रो मैक्स सीरीज में 128GB और अब 256GB आता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 128GB आपको इनफ नहीं लगती है, अभी जब चलाएंगे आप फोन लगती भी नहीं इनफ। तो प्रोवाइडर वगैरह दिखाई दिया मैंने आपको, क्योंकि यूएसए इसमें, लेकिन 13 प्रो मैक्स में इसमें सिम भी है, आप बोलेंगे यूएसए में सिम नहीं डलती, और 14 प्रो मैक्स से स्टार्ट हुई थी 14 प्रो से। और भाई ये पहली सीरीज है जिसकी डिस्प्ले 120Hz है एप्पल में, 12 प्रो में नहीं थी, 12 प्रो मैक्स में भी नहीं थी, और उसमें नोच छोटी करी थी, 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले लाए थे इसमें। और ये प्रोमोशन डिस्प्ले आप देख सकते हैं सुपर 18XDR डिस्प्ले है, और भाई वाइब्रेंट कलर डिस्प्ले में, मैं कह रहा हूँ आपको सैमसंग और आईफोन सेम ही लगेंगे, कोई कंटेंट में कोई वैसे नहीं लगा, कंटेंट देखने में भी आपको ऐसा लगेगा नहीं भाई कोई लोकल चीपर फोन चला रहा हूँ। आज भी आप मार्केट में फ़ोन लेंगे तो आपको 55-60 हज़ार का मिल जाएगा, और एंड्रॉयड 55-60 हज़ार के फ़ोन से ये मच बेटर आज भी परफॉर्म करेगा, और क्योंकि लगभग इसको हम करते हैं यूज़ करते हैं 2 साल से ऊपर हो गए मुझे, तो उसमें बैटरी हेल्थ भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, और आपको अंदाजा लग सकता है ना फिर बैटरी हेल्थ कितनी रहेगी। देखो 85% बैटरी हेल्थ है अब 20 की, और 2 साल से यूज़ हो रहा है लगभग, वैसे लास्ट 73 का रहता है, अभी 30% बैटरी है, एक दिन तो फ़ोन आराम से निकालता है बैटरी में, बिल्कुल बैटरी से कोई दिक्कत नहीं। भाई परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है ना, परफॉर्मेंस को लेकर तो आपको कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि इसमें वैसे भी
IA15 बायोनिक चिप है 5nm पे जो चलती है, और ऊपर से ये 2 साल पुरानी चिप है, तो आपको ऐसे लगेगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है। बस आपको एक चीज़ में दिक्कत आएगी फ़ोन में, ऐसे आप कॉलिंग करोगे तो कॉलिंग करने के बाद, और एक साथ मल्टीटास्क करोगे, ऐसे कॉलिंग कर रहा हूँ मैं साथ में कुछ चला रहा हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी, तो आपका ना फ़ोन पीछे से बैक से यहाँ से हीट होना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से जैसे प्रोसेसर इसका, और ये चार्जिंग में भी हीट करता है 13 Pro Max, 15 Pro Max इतना हीट नहीं करता, और चार्जिंग में भी ये लगभग ले लेता है 2 से 2.5 घंटे, और आधे घंटे का फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं इस चीज़ों में। मेमोरी मैंने आपको बताई देता है 128 GB में आता है, और इसमें 6 GB रैम मिलती है, और 15 Pro Max में 8 GB रैम मिलती है आपको, और इसमें 6 GB रैम मिलती है आपको ना। 15 Pro Max डिस्प्ले से स्मूथ लगेगी क्योंकि दोनों 120Hz है, लेकिन परफॉर्मेंस का थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि 15 Bionic है उसमें, A17 Bionic है वो भी मैक्स 15 Pro Max में से, 13 Pro Max में नॉर्मल है। तो देखते हैं इसका 12 MP कैमरा है, 12 12 12, तीनों 12 के हैं, और आपको ये पता ही है TUF इसमें तो रहता ही है, ये 3D LiDAR स्कैनर और फ्लैश लाइट, ये माइक्रोफोन ये रहा इसमें एक, और एक माइक्रोफोन यहाँ पे है नीचे, ये कॉलिंग के लिए रिकॉर्डिंग के लिए होता है, जैसे आप जैसे यूज़ करेंगे वैसे रिकॉर्डिंग में काम देगा ये। और इसमें मैं सारे जैसे आप कैमरे के दिखाता हूँ आपको मैं फंक्शन सारे यूज़ करता होता है इसमें, देखो इसमें रो भी है, और वीडियो में आके दिखाता हूँ 4K 60 FPS ProRes HDR भी है, और 4K HD 60 FPS 30 FPS 4K सिनेमैटिक भी है, सिनेमैटिक में इसमें 1x और 3x है, और थोड़ा क्लियरिटी में भाई फ़र्क है, क्लियरिटी 15 Pro Max इतनी क्लियरिटी तो नहीं है, देखो इसमें लिखा भी आता है, जैसे आप थोड़े उसमें जाएंगे तो डार्क एरिया में तो मोर लाइट रिक्वायर्ड लिखा आएगा इसमें, और सारे आईफोन वाले फीचर सारे हैं इसमें जो लेटेस्ट आईफोन में आते हैं अभी, ProRes वगैरह सब है इसमें, और क्योंकि 128 GB है तो इसमें ऐसा कोई है नहीं। और इसका ना सेल्फी कैमरा 12 MP का कैमरा है, और 15 Pro Max का भी 12 है, लेकिन भाई सेंसर में फ़र्क है इसका सेंसर में, और 12 Pro Max का सेंसर में फर्क है। तो जैसे साउंड में आपको थोड़े बंदों को इशू आता है कि भाई पुराना आईफोन होने के बाद साउंड कैसे आएगी, तो मैं इस वीडियो पर आपको साउंड कर चला के दिखा देता हूँ एक बार, जैसे वाईफाई कनेक्टिविटी भी अच्छी है इसकी, जैसे देखो साउंड दिखना वो ये कॉपीराइट आ जाएगा, साउंड में आपको दिखाता हूँ चला के तुम्हें रुको, और भाई साउंड की बात करते हैं दिखाता हूँ आपको साउंड चला के एक बार, स्टीरियो स्पीकर है इसमें दोनों से आगे से, साउंड क्वालिटी सुनी ली है इसकी। तो आईफोन में एक चीज हो रहा है, जैसे आपको एंड्रॉइड दिखाएंगे टावर है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं दिखाता, आईफोन में उल्टा है इसका भाई, कनेक्टिविटी जितने टावर है उतने दिखाता है, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है आईफोन में, इसमें भी है वो इशू कि आपको थोड़ी जैसे जाएंगे ना जियो के अलावा हमारे यहाँ पे एयरटेल नेटवर्क कम आते हैं तो कॉल ड्रॉप का इशू आता है, कॉल डिस्कनेक्ट का इशू आता है, कॉलिंग करते करते इशू आ जाता है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है भाई, इसमें टच काम नहीं करता कई बार, ऐसे ऊपर अभी काम कर रहा है, पहले कई बार बीच में टच काम नहीं करता, सॉफ्टवेयर का इशू है इसमें, कोई हार्डवेयर का इशू है नहीं, और अभी हमें अब तक तो मुझे भाई ऐसे कोई दिक्कत लगी नहीं है फ़ोन में। आपके पास 13 Pro Max है तो आपको 15 Pro Max पर अपडेट करना नहीं चाहिए क्योंकि भाई इसमें सब कुछ है, वरना आप सच बताऊँ तो भाई मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से तो मुझे 13 Pro Max अच्छे से लगता है, बॉडी है ना भाई वो चमकती है। अब ये वैसे मैं 15 Pro Max चला रहा हूँ, उसमें टाइटेनियम फिर है, वो चमकता नहीं है, और इसका गोल्ड कलर रिचनेस देता है आपको, देखा गोल्ड 15 Pro Max बंद कर दिया उन्होंने, गोल्ड कलर आपको अलग ही चमकता है। 12 Pro चला लो आप, एक्सेसर देख लो, कोई भी फोन देख लो आईफोन का, गोल्ड कलर तो भाई बहुत अच्छा लगता है, वो तो सबका अपना पसंद है, लेकिन गोल्ड कलर तो रिचनेस दिखती है आपके आईफोन में। थोड़े कलर ऐसे मेरा ग्लास ब्रेक हो गया है, ऐसे सब उसमें रहता ही है आईफोन में, क्या है कि ना कोना लग गया था थोड़ा सा, और इसमें एक दिक्कत है स्मजेस की दिक्कत है, थोड़े स्क्रैच पड़ जाते हैं, और ज़्यादा स्क्रैच पड़ते हैं यहाँ लाइटनिंग केबल के यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे ना जैसे चार्जिंग आप निकालेंगे करेंगे और धूल मिट्टी के हिसाब से कवर लगा चलाते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत देता है, साउंड में हो गया, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गया, और आपका परफॉर्मेंस हो गया, तो भाई इसमें कोई भी इशू नहीं है आपको, कैमरे तक में इशू नहीं है इसका, कैमरा भी आप दिन में चलाएंगे ना जैसे रिकॉर्डिंग करेंगे कुछ भी करेंगे दिन में, इतना बढ़िया काम करता है कैमरा इसका कि आप किसी एंड्रॉइड से ले आना 50-60 जाके एंड्रॉइड को, तो आप ये सोचते कहीं नहीं कुछ, तो आपको ऐसे अपग्रेड करना कैमरे के लिए तो कर सकते हैं। 15 Pro Max में परफॉर्मेंस वगैरह सब इसकी बढ़िया है, कंपेयर करेंगे तो उसका तो मच बेटर पाएगा, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपग्रेड करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 13 Pro Max से आप 15 Pro Max में जाइए, अभी आप 16 Pro Max में जाइए, क्योंकि 2 सीरीज चला के 2 सीरीज के बाद आपको चेंज करना चाहिए आईफोन में, क्योंकि आईफोन में 3 से 4 साल कुछ नहीं होता, इसको 2 साल से ऊपर हो गया है, और बैटरी हेल्थ भी 50% ड्रॉप हुई है इसकी सिर्फ। तो आपने देखा भाई इससे रिव्यू अच्छा लगा हो आपको तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आप ऐसे ऐसे नए नए फोन के वीडियो भी करते रहेंगे, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।